हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। तो आज हम ये स्मॉल फिश का रेसिपी बनाने वाले हैं। तो 5 टाइप्स का रेसिपी आज मैं बना के दिखाऊंगी आप सबको, तो वीडियो में बने रहिए। एक मीडियम साइज का प्याज हम काट के डाल देंगे, फिर थोड़ा सा हल्दी भी डाल देंगे और ये हमारा मिक्स पेस मसाला। और आपको अगर तीखा पसंद है तो आप ग्रीन मिर्ची भी डाल सकते हैं और नमक स्वाद अनुसार। तो यहाँ हम थोड़ा सा लेमन का जूस भी ऐड करेंगे, देख सकते हैं। एक मीडियम साइज़ का टमाटर और बेसन भी ऐड किया है यहाँ, और थोड़ा सा ऑयल भी ऐड करेंगे। यहाँ हमने मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया है। सब कुछ डालने के बाद हम अच्छे से सब चीज़ को मिक्स कर लेंगे। और एक रेसिपी है हमारा मसाला पिनपिनी झूरी, वो ऑलरेडी अपलोडेड है, इसीलिए मैंने इस वीडियो में उसको शो नहीं किया है। तो यहाँ सब कुछ अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो हम इस पत्ता में ले लेंगे। तो ये जो हल्दी है, हल्दी प्लांट, उसका पत्ता है। थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और हर तरफ अच्छे से फैला देंगे। इन सारे रेसिपीज़ में से मसाला पिनपिनी झूरी का जो रेसिपी है, वो रेसिपी सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम हमारा मछली को रख देंगे, थोड़ा सा डालेंगे, सारा मछली एक साथ नहीं डालेंगे, और इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। मसाला पिनपिनी झूरी का रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई करें घर में, सच में वो रेसिपी बहुत टेस्टी था। एक थ्रेड की हेल्प हम ले लेंगे और चारों ओर अच्छे से हम लपेट लेंगे इस तरह से। मसाला पिनपिनी झूरी का रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। तवा में थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, उसके बाद हम हमारा पत्ता रख देंगे इसके ऊपर। फ्लेम को हम बिल्कुल भी हाई नहीं करेंगे, पूरा लो फ्लेम में रखेंगे और इस तरह से ढक्कन ढक देंगे ताकि अच्छे से पक सके हमारा मछली अंदर से। और 10-10 मिनट में या फिर 15-15 मिनट में आप इस तरह से पत्ता को पलट दीजिए। तो यहाँ हमने पूरा 1 घंटे तक इसको पकाया है। इसका टेस्ट सबसे डिफरेंट, पूरा अलग था टेस्ट। इसका टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा था, आप भी ये रेसिपी को ट्राई करें घर में। तो अब हम बनाएंगे सेकंड रेसिपी। तो ऑयल थोड़ा सा गर्म होने के बाद हमने सरसों डाल दिया है, और ये छोटा सा टमाटर और ग्रीन मिर्ची है 4-5, उसको हम डाल देंगे। तो हमने यहाँ थोड़ा सा हल्दी ऐड किया है। अब हम हमारा स्मॉल मछली ऐड करेंगे और नमक भी ऐड करेंगे। तो हम इसको क्रिस्पी और क्रंची बनाएंगे पूरा। तो यहाँ हमारा क्रंच फिश रेसिपी रेडी हो चुका है, तो चलिए तीसरा रेसिपी बनाते हैं। तो अब हम बनाएंगे फिश का पकौड़ा। तो यहाँ हमने टमाटर मीडियम साइज़ का ले लिया है, और थोड़ा सा ग्रीन मिर्ची, और ये हमारा चावल का पाउडर, फिर हम बेसन भी ऐड करेंगे। तो ये 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी, ये है जीरा पाउडर, ये है धनिया पाउडर, और नमक स्वाद अनुसार, और हम थोड़ा सा नींबू का जूस भी ले लेंगे। अब हम अच्छे से हर चीज़ को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ हमने और थोड़ा सा चावल का पाउडर ऐड किया है। हमारा ऑयल गरम हो चुका है, तो हम इसको पकौड़ी जैसा बनाएंगे और डाल देंगे ऑयल में और फ्राई कर लेंगे अच्छे से। तो हमारा पकौड़ी रेडी हो चुका है, अब हम इसको निकाल लेंगे इस तरह। पकौड़ी बहुत टेस्टी लग रहा था सच में। तो अब हम बनाएंगे हमारा तवा फ्राई। तो ये पूरा इंस्टेंट है, बहुत जल्दी बन जाता है। तो हम तवा में थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे, ऑयल गर्म होने के बाद सरसों डाल देंगे और कुछ सूखी मिर्ची।
तो अब हम मछली को डाल देंगे। मछली को हमने थोड़ा सा हल्दी और नमक डाल के मिक्स कर लिया था। तो हम यहाँ लो से मीडियम फ्लेम में मछली को फ्राई करेंगे। तो हमारा सेकेंड यूट्यूब चैनल है, उसमें हम सिर्फ व्लॉग्स अपलोड करते हैं। तो आपको अगर व्लॉग्स देखना है हमारा, तो आप जाके वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे न्यू न्यू व्लॉग्स का अपडेट आपको मिल जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आप सबको हमारा ये सिंपल रेसिपी पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा।